बैकुंठपुर SECL की नई पॉलिसी के अनुसार एक अधिकारी किसी कॉलरी यानी कि खदान में 5 साल से अधिक समय तक काम नहीं करेगा, वहीं एक एरिया में 10 वर्ष से ज्यादा नहीं रुकेगा। एक कंपनी में कार्य करते हुए 15 साल बीत जाने पर उक्त अधिकारी को अनिवार्य रूप से दूसरी कंपनी में तबादला कर दिया जाएगा। कंपनी की सोच थी कि तबादला किए जाने से कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। उस पॉलिसी के लागू होने से कौशल सेट में सुधार आएगा, साथ ही बाहरी पार्टियों का अधिकारियों के साथ गठबंधन बनाने पर भी अंकुश लगेगा। इसके बावजूद SECL बैकुंठपुर में इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। कई वरिष्ठ अफसर 5 साल से भी ज्यादा वक्त से जमे हुए हैं। इन अफसरों का तबादला दूसरी कंपनी में होना था, पर अभी तक स्थानीय स्तर पर ही इधर से उधर तबादला करा जमे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष कोल इंडिया लिमिटेड स्तर पर एक से दूसरी कंपनी में तबादले किया जाता है, जबकि कंपनी स्तर पर भी इधर से उधर स्थानांतरण किया जाता है। इसके बावजूद कई अफसर ऐसे हैं जो 15 से 20 वर्ष से एक ही स्थान पर जमे हैं। शिकायत से बचने के लिए कंपनी के अंदर इधर उधर तबादला करा लेते हैं। कोयला क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार व गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने नई पॉलिसी तैयार की थी, इसलिए अफसरों की सूची भी बनाई गई है, पर इसका पालन पूरी तरह नहीं किया जा रहा सका। SECL में ही कई अफसर 15 साल ही नहीं बल्कि 20 साल से जमे हुए हैं, यानी नौकरी में आने के बाद SECL में कार्य करते हुए प्रमोशन ले रहे हैं। SECL मुख्यालय बिलासपुर में बैठे हुए उच्च अधिकारियों को इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बैकुंठपुर से सुरेश मिनोशा की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज़।